हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड नाइट, जो जब भी जैसे जहां भी देख रहा हो। आज का जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी इन फ्री रेडिकल रिएक्शंस। हमने इससे पहले फ्री रेडिकल रिएक्शन के रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़े, उसमें हमने एक और पढ़े मीथेन और इथेन का है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मीन्स हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन या हेलोजिनेशन ऑफ इथेन। उनमें टॉपिक क्या था, उसमें इजीनेस क्या था कि उसमें एक ही तरह के कार्बन थे, चाहे इथेन में देखे दोनों इक्वल कार्बन थे या मीथेन में तो सिंगल कार्बन था। कहानी तब शुरू होती है जब मोर देन टू कार्बन होते हैं, मींस कार्बन का नेचर है उसमें जो प्रोटॉन के काउंटिंग है वो अलग हो जाए, मींस सेकेंडरी कार्बन हो जाए, प्राइमरी कार्बन हो जाए, तब जरूरत पड़ती है सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। मींस जब आपके पास दो चांसेज है कि प्राइमरी पे जाके रिएक्शन करे या सेकेंडरी पे जाके रिएक्शन करे, तो क्या वो प्राइमरी पे रिएक्शन करेगा या वो सेकेंडरी पे रिएक्शन करेगा, तब जरूरत पड़ती है सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी की। साथ ही साथ आज के वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि सिलेक्टिविटी रेशियो क्या है, मींस अगर क्लोरीनेशन हो रहा है तो क्लोरीनेशन में एक प्रोडक्ट कितने परसेंट बनेगा या दूसरा प्रोडक्ट कितने परसेंट बनेगा, या ब्रोमिनेशन हो रहा है तो ब्रोमिनेशन में सिलेक्टिविटी कितनी है या रिएक्टिविटी कितनी है, उसके सिलेक्टिविटी निकालने का तरीका क्या है या उसकी सिलेक्टिविटी रेशियो को फार्मूले से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोनू शुक्ला और आज का टॉपिक है सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था कि फ्री रेडिकल रिएक्शन में तीन स्टेप में होते हैं, हेलोजिन इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। तो जिन बच्चों ने वीडियो देख रखी है पिछली, उनके लिए तो इजी होगा, और जिन्होंने नहीं देखी उसका हम ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि हम मीथेन की बात करें, CH4+Cl2 बनाएगा CH3Cl+HCl। ये रिएक्शन होता है, हमने बताया था कि पांच फैक्टर हैं, हीट, लाइट, परऑक्साइड, रेडिएशन, जो भी है, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन तब तक होगा जब तक कि सारा प्रोटॉन कार्बन का, मीन्स CH3Cl फिर से रिएक्शन करेगा Cl2 से और बना देगा CH2Cl2+HCl। ऐसे ही CH2CH3 भी बनेगा, फिर तब तक बनेगा जब तक CCl4 ना बन जाए। मीन्स हर रिएक्शन अपने तब तक होता रहता है कि जब तक ना वो कंप्लीट प्रोटॉन सब्स्टिट्यूट ना कर दे। तो हर स्टेप का अपना अपना अलग अलग मैकेनिज्म था, इसका अलग मैकेनिज्म है, इसका अलग मैकेनिज्म है, इसका अलग। तो यहां देखो, यहां कार्बन एक ही जैसा है, प्रोटॉन उसमें एक ही जैसे है। अगर इथेन का देखें, जो दूसरा हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था CH3CH3, यहां भी ये भी प्राइमरी, ये भी पर प्राइमरी, और इसका जब Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा CH3CH2Cl+HCl। लेकिन अगर अगला हो, मींस अगर कार्बन इस तरह से CH3CH2CH3 और इस पे इसका रिएक्शन हम Cl2 से कराएंगे, तब सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी का टर्म आता है, सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी का टर्म आता है। मीन्स यहां कार्बन प्राइमरी भी है और यहां कार्बन सेकेंडरी भी है। तो क्लोरीनेशन प्राइमरी पे होगा या सेकेंडरी पे होगा, या ब्रोमिनेशन प्राइमरी पे होगा या सेकेंडरी पे होगा, फ्लोरीनेशन या आयोडिनेशन किस पे ज्यादा होगा, उसका आज मेन टॉपिक है, आज उसी का डिस्कशन है। तो हम एक ब्रीफ मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं कि जिन बच्चों ने पढ़ रखी है, देख रखी है, उनके लिए आसान होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनको हम मीथेन का इस स्टेप का एक शॉर्ट मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है बच्चों, इनिशिएशन में होता है कि फ्री रेडिकल जनरेट होता है। फ्री रेडिकल जनरेट होने के पांच फैक्टर हैं, पांच तरीके हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बताए थे, ठीक है। तो ये क्या होगा, सीएल बॉन्ड, सीएल मीन सीएल टू, यू वी की प्रेजेंस में क्या होगा, सीएल फ्री रेडिकल बन जाएगा, सीएल फ्री रेडिकल, सीए होमोलिसिस होगा और दोनों बॉन्ड अपना अपना लेके चले जाएंगे। अगले स्टेप क्या है, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में क्या होता है कि एक फ्री रेडिकल, इसका काम यही खत्म हो गया, आपकी जरूरत नहीं है, एक फ्री रेडिकल जनरेट हो गया बस काफी है, एक इनिशिएशन कर दिया इसने। अगले स्टेप में क्या हुआ कि ये मीथेन के प्रोटॉन को लेकर के भाग लेता है, मींस इसके एक प्रोटॉन को अगर हम देखें तो सीएच ऐसे है, तो क्या करेगा, ये क्लोरीन इसके एक प्रोटॉन को लेकर चला जाएगा और बना देगा इसको फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल और HCl बन गया, ठीक है। अब इसने इसको तो रिएक्टिव कर दिया, खुद तो न्यूट्रल हो गया, इसको रिएक्टिव कर दिया, ये फ्री रेडिकल बहुत रिएक्टिव हुआ, बोला अच्छा
तुमने मुझे रिएक्टिव किया, अब मैं तुमको तोड़ता हूं। ये CH3 फ्री रेडिकल Cl2 के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और इसके प्रोटॉन के साथ जुड़ जाएगा और एक नया फ्री रेडिकल बना देगा। मींस ये बन गया CH3Cl+Cl फ्री रेडिकल। यही स्टेप साइकिल रिपीट होती रहेगी तब तक जब तक कि सारे क्लोरीन खत्म ना हो जाए या सारे मेथेन का मेथाइल क्लोराइड ना बन जाए। ये प्रोपोगेशन रिएक्शन है, ये चलती रहती है। अगला स्टेप था टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में क्या होगा कि टर्मिनेशन में सारे फ्री रेडिकल जितने थे, जितने भी फ्री रेडिकल थे, वो क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करके रिएक्शन को टर्मिनेट कर देंगे, मींस खत्म कर देंगे। तो अगला स्टेप था टर्मिनेशन। क्या होगा, कितने फ्री रेडिकल बने, Cl फ्री रेडिकल बना और CH3 फ्री रेडिकल बना, CH3 फ्री रेडिकल बना। तो Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल आपस में जुड़ के Cl2 बना लिया, Cl फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल बना के CH3Cl बना लिया, CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल जुड़ के आपस में क्या बना लिया, CH3CH3 मींस इथेन बना लिया, मींस इथेन बना लिया। ठीक है, ये था मैकेनिज्म। ये है मैकेनिज्म, सारे फ्री रेडिकल में एक ही जैसा लगेगा। तो हम और आगे डिस्कस नहीं करेंगे, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक में, वो है सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो कहानी तब शुरू होगी जब कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी। कार्बन की संख्या बढ़ गई, सपोज करो जैसे ये हुआ CH3CH2CH3। अच्छा, पिछले वीडियो में हम जब पढ़ रहे थे तो वहां पे एक वर्ड यूज किया था, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने बहुत लास्ट में एकदम नोट करा दिया कि इसको नोट कर लीजिए, वो था कि F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन Cl2, देन Br2, देन I2। मींस ये तो इससे 1000 times ज्यादा रिएक्टिव है, मींस इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव F2 है। ठीक है, ये दोनों तो क्या है, कम रिएक्टिव है, और ये बेचारा जो Cl2 है ये फंसा हुआ है रिएक्टिविटी और कम रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव और लो रिएक्टिव के बीच में फंसा हुआ। मींस इसके सबसे ज्यादा जो फ्लक्चुएशन है रिएक्टिविटी का वो है Cl2 का। इसको तो पता है कि भाई बहुत फास्ट है, ये है कि बहुत स्लो है, ये बेचारा बीच में है, ना फास्ट है ना स्लो है। तो इसमें अगला हम देखें, ये पॉइंट तो आप नोट कर लो, जिसने नोट किया है वो तो ठीक है, जिसने नहीं किया वो कर ले। ठीक है, नोट हो गया। अच्छा, अभी जो हमने दो टर्म की चर्चा कर रहे हैं, रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, सपोज करो जो ज्यादा भूखा होगा वो खाने को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। मींस अगर बहुत आप एक हफ्ते से भूखे हो, कुछ नहीं मिल रहा है, आपके पास 5 तरह के भोजन रखे हुए, 5 तरह के अच्छे अच्छे भोजन रखे हुए, तो आप ये नहीं देखोगे कौन सा पहले खाऊं, वो जो मिला वो पहले खा के चला गया। लेकिन जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा भूखा नहीं है, सिलेक्टिव है, वो देखेगा, चेक करेगा कौन सा बढ़िया है, मस्त है, उसको खाएगा। ठीक है, तो कहानी सेम यहां पे भी है कि जिस जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम सिलेक्टिव होगा। मीन्स रिएक्टिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिव, रिएक्टिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लो, ये हर जगह लगेगा। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम सिलेक्टिव होगा। अच्छा, सिलेक्टिव मैंने समझा दिया, सिलेक्टिव ये हुआ कि आपको चूज करना है कि कहां रिएक्शन करो, आपके पास चांसेस हैं, आपके पास टाइम है कि आप वेट करो कौन सा ज्यादा स्टेबल है उस पे जाके रिएक्शन करो। सिलेक्टिव रिएक्टिव जो है वो रिएक्टिव क्या करेगा, उसके पास वो सोचता ही नहीं है कि कहां रिएक्शन करनी है, मुझे जहां मिला वहां रिएक्शन कर दिया, जो पहले मिला, जो पहले मिला। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी आप नोट कर लो, फिर आगे हम इस पर डिस्कस शुरू करते हैं। अब आते हैं इसके ऊपर, अगर हम इसमें देखें कि रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी हमने बना दी है, हम रख ली दे रहा हूं, सबसे ज्यादा F2 है, फिर Cl2 है, और फिर Br2 है, और फिर है I2, फिर है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव F2 है। अगर हम इसको F2 से रिएक्शन करें, क्या करें, F2 से, तो चांसेस है ये क्या है, प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी है, ये भी प्राइमरी है, तो F2 कहां रिएक्शन करेगा। हम पूरी मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे, हम फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, पहले स्टेप की। तो क्या होगा यहां पे, ये अगर बने CH3 CH2 CH2 F, मींस ये क्या बना, प्राइमरी प्रोडक्ट,
ये प्राइमरी प्रोटोकॉल। दूसरा है कि CH3 और F यहां जुड़े, ये क्या बन गया, ये सेकेंडरी प्रोटोकॉल। तो F2 ये बनेगा कितने परसेंट बनेगा या ये कितने परसेंट बनेगा, ये क्वेश्चन आएगा। तो हम यहां अगर देखें, यहां हम देखें, हमने बताया कि F2 Cl2 से 1000 टाइम मोर रिएक्टिव है। तो यहां तो उसको कभी, जैसे अगर हम यहां देखें क्या होता है, जब हम फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट पढ़े थे जीओसी में, जीओसी इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों कि जब भी रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ोगे तो उनका इंपैक्ट हर स्टेप में आ जाएगा। तो हम अगर यहां देखें, ये था आपका प्रोडक्ट स्टार्टिंग मटेरियल जिसपे रिएक्शन होना है। जब ये फ्री रेडिकल प्रोपोगेशन स्टेप में, जब ये फ्री रेडिकल बना, सपोज करो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल बना, तो प्राइमरी फ्री रेडिकल क्या होता है, जब हम फ्री रेडिकल की रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखेंगे, तो फ्री रेडिकल क्या होता है, प्राइमरी फ्री रेडिकल कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल में और बन जाता है CH3CH3। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबिलिटी है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। स्टेबिलिटी के डिस्कस करें कि हमने जब रिएक्टिविटी, जब फ्री रेडिकल पढ़ाया था तो उन्होंने बनाया कि किसी फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट को तीन फैक्टर स्टेबलाइज करते, एक था रिजोनेंस या मेसोमेरिक, दूसरा था हाइड्रोजन बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन, और तीसरा था इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो हमने उसमें बताया था कि सबसे ज्यादा होता है रिजोनेंस या मेसोमेरिक, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन और उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तीनों में से सबसे पहले जो कंसीडर किया जाएगा रिजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन फ्री रेडिकल क्या है, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन ये नोट कर लो, जिसने नहीं नोट किया वो नोट कर ले, नहीं जो पहले वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए काम आएगा। तो ये थी कहानी, बीच में वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे देखो अगर एक्सप्लेन करना हो इसकी स्टेबिलिटी तो हम दो तरह से कर सकते हैं, रिजोनेंस तो है नहीं तो चला गया, बचा हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट से भी ये एक्सप्लेन हो रहा है क्योंकि दो तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है। अगर इसको देखें तो एक तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट है तो ये कम स्टेबल। हाइपर कंजुगेशन में देखें तो इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पे देखें तो यहां इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये हर हाल में स्टेबल ज्यादा है, तो स्टेबल ज्यादा होने के नाते चांसेस होगा कि प्रोडक्ट ये बने। लेकिन ये सब कहानी तब होगी जब वो चूज करना चाहेगा कि हम इस पे करें या इस पे करें। ये तो भैया बहुत रिएक्टिव है, F2 बोलता है कि नहीं मुझे इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं वेट करूं कि कौन सा रिजोनेंस हो करके स्टेबलाइज हो तब मैं रिएक्शन, वो फटाक से ये रिएक्शन करेगा और 99% ये प्रोडक्ट बनाता है, 99% ये प्रोडक्ट बनाता है, और 1% के आसपास सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाएगा, 1% के आसपास सेकेंडरी बनाएगा, 99% बनाएगा वो प्राइमरी। तो फ्लोरीन के लिए तो कहानी फिक्स है, फ्लोरीन की कहानी फिक्स है कि भैया वो बहुत रिएक्टिव है, उसको जहां मिलेगा मौका वहां पर रिएक्शन कर देगा। ठीक है, वहां पर रिएक्शन कर देगा। अब जो कहानी फंसती है वो क्लोरीन ब्रोमीन के लिए ही फंसती है, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए भी नहीं फंसती है क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा सिलेक्टिविटी रेशियो ब्रोमीन का बहुत ज्यादा, हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर अब हम इसको चेंज करते हैं, अगर हम इसको यहां चेंज करके Cl2 लाए, क्या लाए Cl2, अब क्या होगा कहानी, क्या ये अब भी 99 बनेगा, ये 1% बनेगा, नहीं अभी कहानी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इनसे कम, फ्लोरीन से कम है, तो ये थोड़ा चांस मारेगा कि भाई नहीं इतनी भी जल्दी नहीं है, मैं थोड़ी सी बर्दाश्त कर सकता हूं, मुझे जो सिलेक्टिव स्टेबल मिलेगा वो मिलेगा। उसमें क्या होता है कि ये बनता है 55% के आसपास, ये बनता है 45%, ये बनेगा 45, यहां होगा Cl, यहां होगा Cl। ठीक है, अब ये आता है कि हमने 45 कहां से लाया और 55 कहां से लाया, तो अब जरूरत पड़ती है वो जो मैं टर्म की बात कर रहा था वो था सिलेक्टिविटी रेशियो, सिलेक्टिविटी रेशियो। अब सिलेक्टिविटी रेशियो दोनों का अलग अलग होता है, ब्रोमीन का अलग है, क्लोरीन का अलग है।
तो हम क्लोरीन सिलेक्टिविटी रेशियो आप सीएल लिखता हूँ, सीएल टू लिखता हूँ क्लोरीन के लिए, क्योंकि इनका अलग ही बहुत डिफरेंस है फ्लोरीन और ब्रोमीन में, क्लोरीन और ब्रोमीन में। तो इसका जो रेशियो होता है बच्चों कि अगर टर्शरी है, अगर सेकेंडरी है, अगर प्राइमरी है, इन तीन तरह के चांसेस हैं, तो तीनों का अपना अलग अलग होता है। प्राइमरी टर्शरी के लिए 5 होता है, इसके लिए 3.8 होता है, इसके लिए 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लो, ये नोट कर लो, ठीक है। सिलेक्टिविटी रेशियो टर्शरी के लिए 5, सेकेंडरी के लिए 3.8 और प्राइमरी के लिए 1। अच्छा, क्या इसका यूज है मैं आपको बताता हूं। इसके बेसिस पे आप परसेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे। कैसे करोगे आप देखते हैं। अगर हम इसको देखें, इस एग्जाम्पल में देखें कि ये कितने परसेंट बनेगा, ये कितने परसेंट बनेगा, तो हम देखते हैं प्रोपोर्शन ऑफ सेकेंडरी, ठीक। सेकेंडरी के लिए कितना है 3.8, ठीक है। 3.8 कितने प्रोटॉन है, 2, 3.8 इंटू 2 कितना हो गया 7.6 ही होगा ना, ठीक है 7.6। अच्छा, प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी मींस यहां पे रिएक्शन करेगा तो क्या क्या चांसेस हैं, तो यहां होगा क्या है, कितने प्रोटॉन है, 3 ये है, 3 ये 6 है, 6 है, तो 1:6 कितने हो गए 6, ठीक है। कंफ्यूज नहीं, समझ में नहीं आया, फिर से बताता हूं कि जब प्रोपोर्शन है इस कार्बन का सेकेंडरी का, तो सेकेंडरी पे 2 प्रोटॉन है, 2 बार 2 प्रोटॉन होने के नाते प्रोबेबिलिटी रिएक्शन की कितनी है, तो वो देखेंगे 2 प्रोटॉन है सेकेंडरी पे, तो उसकी जो सिलेक्टिविटी रेशियो के लिए जो सेकेंडरी के लिए नंबर दिया गया है, ये नंबर फिक्स है, एक है 3.8 कितने प्रोटॉन है, 2 है, तो आ गया 7.6। प्राइमरी में देखें तो प्राइमरी में ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो 3 यहां प्रोटॉन है, 3 यहां प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन हुआ, तो 1:6 = 6। ये तो प्रोपोर्शन आप निकला किसके लिए, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूं, ठीक है, यहां बनाता हूं, ठीक है। सेलेक्टिविटी रेशियो नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसको एक साइड में लिख देता हूं, कम पड़ रही है। सेलेक्टिविटी रेशियो टर्शरी के लिए था, सेकेंडरी के लिए था और प्राइमरी के लिए था, वो था 5, 3.8, 1, ठीक है। अब आता है परसेंट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू होता है प्रोपोर्शन ऑफ सेकेंडरी हो या टर्सरी हो या प्राइमरी हो, या ये प्रोडक्ट ऑफ, अगर सेकेंडरी देखेंगे तो सेकेंडरी बटे प्रोपोर्शन ऑफ टोटल प्रोपोर्शन इनटू 100। अगर सेकेंडरी के लिए तो सेकेंडरी होगा, टर्सरी के लिए टर्सरी होगा और प्राइमरी के लिए होगा तो प्राइमरी। तो अब एक कैलकुलेट कर लेते हैं, सेकेंडरी के लिए देखते हैं हम तो 7.6 और टोटल कितना है, टोटल है 13.6 इंटू 100। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं कैलकुलेटर का हेल्प लूंगा, तो हो गया 7.6 ये अप्रॉक्स आ रहा है 55%, क्या है 55.8 आ रहा है, तो 56 मानेंगे, अप्रॉक्स 56%, तो ये बनेगा जो सेकेंडरी बनेगा वो 56%, ठीक। अगर हम सेम कैलकुलेशन करें प्राइमरी के लिए, सेम कैलकुलेशन करेंगे प्राइमरी के लिए, तो क्या होगा, यहां पे भी प्राइमरी का वैल्यू रखेंगे और टोटल रखेंगे 100, तो यहां होगा प्राइमरी कितना है 6 / 13.6 × 100, तो कितना बनेगा ये, वैसे 56 है तो ये होगा 44, देख लेते हैं फिर भी, तो ये रहा 44.1 अप्रॉक्स 44%, तो ये आ गया 44%। तो ये था फॉर्मूला कि हम किसी कार्बन में किसी रिएक्टिविटी में कौन सा प्रोडक्ट कितने परसेंट बनेगा वो हम निकाल सकते हैं सेलेक्टिविटी रेशियो से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेलेक्टिविटी रेशियो। ब्रोमीन के लिए सेलेक्टिविटी रेशियो बहुत डिफरेंट होता है क्लोरीन से कई 100 times, ठीक है, वो मैं अभी बताऊंगा। अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखें, तो
तो ये फार्मूला आप याद रखो, ये फार्मूला है और ये फार्मूला है, दो फार्मूले हैं, याद रखो इनको, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं, एक अलग एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एक अलग एग्जांपल डिस्कस करते हैं, थोड़ा डिफरेंट, जिसमें टर्सरी का भी जिक्र हो, टर्सरी का भी जिक्र हो। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें कि CH3 CH2 और CH3, ठीक है, आ जाओ। अब देखो इसमें तीन तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, क्या ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंड टर्सरी है, ये क्या है, टर्सरी है, और ये सेकेंडरी, इसमें तीनों का कंक्लूड हो गया, तीनों का कवर हो गए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ठीक है। अगर यहां पे Cl2, अभी हम कहानी Cl2 करें, फ्लोरीन के लिए क्लियर है कि फ्लोरीन जहां उसको रिएक्टिविटी सबसे प्राइमरी मींस प्राइमरी, वो जहां पहला जो फ्रीडिकल बनेगा प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी पे वो रिएक्शन बनता है, 99% प्राइमरी बनेगा, ठीक है। अभी हम यहां आएंगे, चांसेस ये थोड़ा डिफरेंट है, सबसे अलग क्वेश्चन है कि कौन सा ज्यादा बनेगा। तो अगर यहां पहले देखें तो प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी एक ऐसा प्राइमरी है और एक प्राइमरी दो तरह के प्राइमरी है, यहां टू टाइप्स के हैं। अगर इसको ए कर दू, इसको प्राइमरी बी कर दू, प्राइमरी बी कर दू, तो क्या प्राइमरी बी बनेगा या प्राइमरी ए बनेगा, प्राइमरी ए बनेगा या प्राइमरी बी बनेगा, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे, वो एक्सप्लेन होगा कि कौन सा प्राइमरी फ्री रेडिकल्स ज्यादा स्टेबल है, जो हमने दिखाया कि हाइपर कॉन्जुगेशन, रिजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट, तीनों में से कौन ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है वो हम बात करेंगे। पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा या टर्सरी बनेगा तो कितने परसेंट बनेगा, तो कितने परसेंट बनेगा, तो पहला निकालते हैं प्रपोर्शन ऑफ प्राइमरी, क्या होगा प्राइमरी के लिए, क्या है इसमें वन, ठीक है। तो वन में कितने प्रोटॉन है देखो जरा, 3 3 6 3 9, 1:9 इक्वल टू 9। प्रपोर्शन ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी कहां है, ये है, कितने प्रोटॉन है 2, तो सेकेंडरी के लिए 3.8 into 2 equal to 2 हो गया 7.6, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ टर्सरी, प्रोपोर्शन ऑफ टर्सरी, टर्सरी कितने प्रोटॉन है 1, 1:5 equal to 5, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ परसेंट, परसेंट ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा प्राइमरी, अगर आप प्राइमरी की देखें तो प्राइमरी में आएगा, प्राइमरी कौन सा है, अब टोटल कितने हो जाएंगे ये देख लो, 9 + 14 = 21.6, ठीक है। अच्छा अब देखो प्राइमरी में, तो प्राइमरी वाला ये है 9 divided by 21.6 into 100, एक कैलकुलेटर मुझे लेना पड़ेगा, तो ये बन रहा है 41.6 अच्छा ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ सेकेंडरी, प्रोपोर्शन ऑफ सेकेंडरी के लिए कैलकुलेट करें तो सेकेंडरी में कितना, 7.6 divided by 21.6 into 100 कितना हो जाएगा, 35% लगभग, 35%, ठीक है। अब आते हैं टर्सरी, यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं, टर्सरी
टर्सरी के लिए होगा कितना है 5 डिवाइड बाई 21.6 इक्वल टू देखो इंटू हंड्रेड ठीक है। तो 23.1 ठीक है। तो ये है टर्सरी मींस। अब यहां देखो, यहां क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ उसका हम डिस्कस करेंगे कि सबसे ज्यादा जो यहां बन रहा है वो प्राइमरी बन रहा है। वाह, कहानी चेंज हो गई। यहां सबसे ज्यादा जो बन रहा है वो 41% बन रहा है, 41.6% बन रहा है प्राइमरी। अब प्राइमरी में कौन बनेगा ये हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको 35 हो गया ये, और ये हो गया 23 ये, ठीक है। हाँ ठीक है। तो अगर अब हम इनको देखें कि ये प्राइमरी बनेगा या ये प्राइमरी बनेगा, ये प्राइमरी, इसमें देखो इसमें क्यों ऐसा हुआ, इसका कहानी है हिस्टोरिक हिंड्रेंस। हिस्टोरिक हिंड्रेंस वो भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 41% ये बन रहा है, तो कौन सा बनेगा। यहां देखें अगर इस कार्बन पे देखें तो इस कार्बन के बगल में जो हाइड्रोजन है कितने, 2 हैं, और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन 1 है। इस हाइपर कॉन्जुगेशन के रिस्पेक्ट में देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा। तो जो पोटर बनेगा बनेगा CH3 CH3 CH CH2 CH2 Cl, ठीक है। दूसरा सेकेंडरी CH3 CH3 CH CH CH3 Cl, ठीक है। तीसरा CH3 CH3 CCl CH2 और CH3, ठीक है। ये 23% बनेगा, ये 35 बनेगा, ये 41 बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी आ गया। मीन्स अब यहां टर्सरी प्रोडक्ट बनने के चांसेस थोड़ा कम हो गए कंपेयर टू सेकेंडरी और प्राइमरी। यहां प्राइमरी ज्यादा बना, यहां प्राइमरी ज्यादा बना। क्यों, क्योंकि यहां जो कैलकुलेट होकर के जो प्रोबेबिलिटी है, वो सिलेक्टिविटी जो आई, वो सिलेक्टिविटी प्राइमरी पे ज्यादा आई कंपेयर टू सेकेंडरी। हम देखें जब 3 कार्बन एक होते तो ये सेकेंडरी ज्यादा बना था, 55% 44% 56% 44%, लेकिन यहां देखो यहां फैक्ट चेंज हो गया कि यहां पे प्राइमरी वाला 41% बना, ये 35 बना, ये 23 बना। तो ये कैलकुलेशन कहां से आया, एक कैलकुलेशन आया सिलेक्टिविटी रेशियो से, सिलेक्टिविटी रेशियो से, ठीक है। सिलेक्टिविटी रेशियो, ठीक है। सिलेक्टिविटी रेशियो जो है ये क्लोरीन का था, क्लोरीन का था। अगर हम ब्रोमीन पे आ जाएं, अगर हम ब्रोमीन पे आ जाएं तो अब कहानी थोड़ी चेंज होने वाली है। क्यों चेंज होने वाली है, कि ब्रोमीन कम, सबसे क्लोरीन और फ्लोरीन से कम रिएक्टिव है। जो कम रिएक्टिव होगा तो सेलेक्टिव भी कम होगा, तो सेलेक्टिव भी कम होगा, सॉरी रिएक्टिव कम होगा तो सेलेक्टिव ज्यादा होगा। वेरी सॉरी, अगर रिएक्टिव ज्यादा कम होगा तो सेलेक्टिव ज्यादा होगा। जो हमने पढ़ा कि F2 देन Cl2 देन Br2 और देन I2। अब देखो इनकी कहानी तो क्या था, इसकी कहानी तो क्लियर था, इसकी कहानी क्लियर है कि ये ज्यादा रिएक्शन करेगा प्राइमरी पे, फर्स्ट से प्राइमरी 99% बनाएगा। ये कहानी क्या है, इसकी कहानी सबसे ज्यादा डिफरेंट थी कि ये सिलेक्टिविटी देखेगा कि क्या चांस है, हिंड्रेंस है, स्टेबिलिटी कहां ज्यादा मिल रही है, वो उनके सिलेक्टिविटी रेशियो पे डिपेंड करता है। ये उसके सिलेक्टिविटी रेशियो पे डिपेंड करेगा। अब Br2 को देखें तो Br2 इसका इसके जैसा ही हुआ कि ये ज्यादा रिएक्टिव होने के नाते पहले रिएक्शन कर गया प्राइमरी पे, ये कम रिएक्टिव होने के नाते ज्यादा सिलेक्टिव होगा कि जो ज्यादा स्टेबल बने वहां पर रिएक्शन करेगा, जो ज्यादा स्टेबल बने वहां पर रिएक्शन करेगा। तो यहां अगर ब्रोमीन का देखें तो ब्रोमीन में टर्सरी सेकेंडरी और प्राइमरी का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा, ये 1600 के आसपास, ये 80 के आसपास, और ये एक है, ये एक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये डेफिनेटली टर्सरी बनाएगा अगर उसको चांस मिलेगा, नहीं तो सेकेंडरी बनाएगा, बहुत कम चांसेस है कि वो प्राइमरी बनाए। क्यों, अगर एक एग्जाम्पल, आप उसी एग्जाम्पल को अगर हम कैलकुलेट करें, देखें वही एग्जाम्पल CH3 CH CH2 CH3, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। टर्शरी ये था 1600 वर्सेस
80 वर्सेस 1, ठीक है। ये था सिलेक्टिविटी, ये टर्शियरी था, सेकेंडरी था और प्राइमरी था, ठीक है। अब यहां प्राइमरी ये है, ये है प्राइमरी, ये है प्राइमरी, ये टर्शियरी और ये सेकेंडरी। तो कैलकुलेट करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी कितने है? 9 है, 9 × 1 इक्वल टू 9 ही आएगा। सेकेंडरी की देखें, सेकेंडरी कितना 80 है, तो 80 × 2 कितना हो गया 160। टर्शियरी में देखें तो 1600 × 1 कितना हो गया 1600, ठीक है। इससे 10 टाइम ज्यादा है। अब आओ कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज, तो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितना बन गया ये देखना जरा, 160, 1600 और 9, टोटल बना 1769, ठीक है, 1769, ठीक है। अब परसेंटेज ऑफ प्राइमरी से कैलकुलेट करते हैं, प्राइमरी कितना होगा, प्राइमरी 9 डिवाइड बाय 1770 × 100, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये बनेगा अप्रॉक्स 5.5%, अप्रॉक्स 0.5%, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी पे आ जाओ, सेकेंडरी पे आ जाए तो 1660 डिवाइड बाई 1769 × 100 देख लेते हैं ये कितना बनेगा, 9%, ठीक है। अब टर्शियरी पे आ जाओ, टर्शियरी की यहां कैलकुलेट कर दे रहा हूं, टर्शियरी कितना 1600 डिवाइड बाई 1769 × 100, तो जो बचा हुआ है वही बनेगा 91% के आसपास, 91%, तो हो गया 1600 और 90.5%, ठीक है। मींस अब देखो क्लियर, एक्सप्लेन करना है सेम इसे, ये फार्मूला है, ये आपको नोट रखना है कि टर्शियरी के लिए जो सिलेक्टिविटी रेशियो है 1600 है, सेकेंडरी के लिए 80 अप्रॉक्स 81 होता है, हमने 80 कैलकुलेशन के लिए लिया है, और ये है 1। तो हम परसेंटेज अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये कितने परसेंट बनेगा, ये बनेगा लगभग 0.5%, ये बनेगा अप्रॉक्स 9%, ये बनेगा अप्रॉक्स 90.5%, 90.5% मीन्स ये बनेगा CH3 CH2 CH2Br, ये बनेगा CH3 CH3Br और ये बनेगा CH3 CH3 CH2 CH3, ये बनेगा 90%, ये 9% और ये अप्रॉक्स 1%, चलो 1% दे दे रहे, ठीक है, या 0.5% जो भी है, 0.5%, 9%, ठीक है। तो ये था कहानी कि सिलेक्टिविटी फार्मूले से हम कैसे निकाल सकते हैं कि कोई प्रोडक्ट कितने परसेंट बनेगा। अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन यही आएंगे, ऐसे बना के दे दिया कि कौन सा प्रोबेबल अप्रॉक्स कितने परसेंट बनेगा, तो आपको आसान रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट किस परसेंट में बनेगा। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फार्मूला को मैं फिर से क्लियर लिख दे रहा हूं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। फार्मूला है, दो फार्मूला है, एक है सिलेक्टिविटी रेशियो, रेशियो किसके लिए, किसके लिए, दो है, एक किसके लिए, पहला है Cl2 के लिए, पहला है Cl2 के लिए फार्मूला यह है कि टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी तीन ही तरह के कार्बन होंगे, तो ये होगा 5, 3.8 और 1, ठीक है। दूसरा है सेलेक्टिविटी रेशियो ऑफ
Br2, तो इसे Br2 सबसे ज्यादा टर्सरी बनेगा, तो इसमें होगा टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, तो इसके लिए सबसे ज्यादा होता है 1600, 80 और 1। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखना है। ठीक है, निकालना कैसे है कि प्रोपोर्शन निकालना है, पहला स्टेप प्रोपोर्शन निकालो। प्रोपोर्शन निकलता कैसे है, प्रोपोर्शन अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो भी है, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो या टर्सरी हो, तो उसके लिए क्या निकलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इंटू रेशियो, इंटू सिलेक्टिविटी रेशियो, ठीक है, और ऐसे ही दूसरे में आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालना है, परसेंटेज निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी प्रोपोगेशन, प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी का हो, सेकेंडरी का हो या टर्सरी का हो, उसके डिवाइडेड टोटल प्रोपोर्शन, इंटू 100। ठीक है, तो इससे परसेंटेज निकल जाएगा, प्राइमरी का निकाल लो या सेकेंडरी का या टर्सरी का, तो ये ब्रोमीन के लिए है, ये क्लोरीन के लिए। आयोडीन सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, तो सबसे ज्यादा सिलेक्टिव होगा, अगर उसको निकालें तो वो डायरेक्ट टर्सरी ही बनाएगा, आराम से वेट करेगा कि तुम पहले जो रीअरेंजमेंट करनी है आपको स्टेबल फ्री रेडिकल बनाने के लिए आप कर लो, उसके बाद मैं वहां पे जाके रिएक्शन करूंगा। तो ये कहानी थी आज के वीडियो का कि सिलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी के ऊपर। अगले वीडियो में हम कुछ और नए लेके आएंगे, इसलिए आप बने रहिए, अपनी तैयारी मजबूत रखिए। थैंक यू।